मुरादाबाद जनपद के मंझोला इलाके के दिल्ली रोड गिनी मोटर के पास गोदरेज कंपनी के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते आग की लपटों ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। गोदाम में रखा माल भी आग में जलकर राख हो गया। आग लगने के चलते लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को हुई तो आनन फानन में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग को दो गाड़ियों से बुझाना मुश्किल पड़ रहा था। आग ने गोदाम को चारों तरफ से अपनी लपटों के बीच में ले लिया था, जिसकी गंभीरता को देखते हुए जेसीबी बुलाकर गोदाम की छत को तोड़ते हुए रेस्क्यू चलाया गया और भयंकर आग को देखते हुए फायर स्टेशन से और 3 गाड़ियां बुलाई गईं। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग में जलकर लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लगातार टीम द्वारा सुबह 6 बजे से रेस्क्यू चलाया जा रहा है और 3 घंटे के बाद अभी तक आग पर काबू पाया जा रहा है। साथ ही हल्की फुल्की आग भी झलक रही है, जिसको फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने का प्रयास कर रही है। चीफ फायर ऑफिसर मुकेश कुमार का कहना है कि आग लगने की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई थी, जिसके बाद 2 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया था, लेकिन आग भयंकर होने के कारण 3 और गाड़ियों को बुलाया गया है। लगातार रेस्क्यू चलाया जा रहा है। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई जा रही है। गौतम स्वामी की माने तो आग में जलकर लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हमारे फायर सर्विस कंट्रोल रूम अलर्ट रोड पर हमको 6:01 पर सूचना मिली कि प्रदीप कुमार नाम की व्यक्ति ने सूचना दी कि दिल्ली रोड में जो गिनी मोटर्स है, 2 फर्म और भी हैं, ए एंटरप्राइजेज, पीजी ट्रेडर्स, इसमें आग लगी है। इस सूचना पर हमारी FSO साहब, 2 अग्निशमन वाहनों की तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे, जा करके देखा कि काफ़ी बड़ा गोडाउन था। तत्काल हमने और अन्य जो गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां और मंगाई, 5 गाड़ियां हमारी लगातार कार्य कर रही हैं। और जो ये गोडाउन है, ये थोड़ा सा बेसमेंट में था और इसमें अब आग लगभग नियंत्रण है और हमारी 5 गाड़ियां लगातार काम कर रही हैं 6 बजे से, और अब लगभग आग तो बुझ चुकी है, थोड़ा धुआं बचा है उसको आग बुझाने के। सर, किस चीज़ का गोदाम था और कितना नुकसान आकलन माना जा सकता है? जो ये गिनी मोटर से ये स्पेयर पार्ट्स का था इसमें, और जो ए एंटरप्राइजेज है, गोदरेज जॉनसन एंड जॉनसन का बताया गया है, और एक जो पीजी ट्रेडर्स है उसमें ITC के जो प्रोडक्ट हैं, बिस्किट, नमकीन, जूस आदि का उनका ये स्टोर किया हुआ था यहाँ पर। काफ़ी सामान बचाया भी उन लोगों ने और आग लगभग बुझ चुकी है। कुछ आगे बची हुई जो सुलग रही है उसको हमारी टीम बुझा रही है। सर, क्या कारण माना जा सकता है आग लगने का? संभव तो ऐसा लगता है कि जो आग लगी है ये काफ़ी देर पहले लगी हुई होगी, क्योंकि जब पड़ोसियों ने देखा तो इनकी सूचना 6 बजे हमको 6:01 में हमको सूचना दिया। शायद जो इन्वर्टर या लाइट वगैरह रही होगी, इससे शॉर्ट सर्किट होने से आग लगना प्रतीत हो रहा है। आग पे काबू पा लिया गया? सर, आग पे काबू पा लिया गया, थोड़ी आग सुलग रही है, उसको बुझा दिया जाएगा।